आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर रायपुर से, जहां राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। हरियाणा कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर है और इसीलिए अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी की जा रही है। तो एक निजी होटल में हरियाणा के इन विधायकों को ठहराया जा सकता है। ये विधायक देर शाम तक आ सकते हैं, जानकारी मिल रही है। होटल मैनफेयर के साथ चित्रकूट के एक रिसोर्ट में इन्हें ठहराया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मन में डर है कि कहीं उनके विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी कर रही है। तीसरे उम्मीदवार ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दो सीटों पर होने वाले चुनाव में तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। चलिए जानकारी के लिए सीधे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का रुख करते लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? खरीद फरोख्त का डर कांग्रेस के विधायकों में, कांग्रेस में, और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ का रुख कांग्रेस करने की तैयारी कर रही है। कब तक ये विधायक पहुंचेंगे और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल चर्चा जो है कल से ही चल रही है कि हरियाणा के कुछ विधायकों को रायपुर लाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने विधायक आ रहे हैं और कहां पे ठहराया जाएगा। लेकिन बहुत से नाम जो है सामने आ रहे हैं कि रायपुर के मेफेयर जो रिसोर्ट है वहाँ पर इन विधायकों को रुकाया जा सकता है, बस्तर के चित्रकूट में रिसोर्ट में रुकाया जा सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ ये बातें चर्चा में, क्योंकि हमने सुबह से ही जब कांग्रेस नेताओं से इस बारे में चर्चा की तो उनका साफ तौर पर वो एक लाइन पर मना कर दिया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो सूचना आ रही है निश्चित तौर पर आने की सुबुगाहट जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ जो विधायक है, करीब 11 विधायक जो है उनको छत्तीसगढ़ लाया जा सकता है और एक निजी रिसोर्ट में उनको रुकाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में राज्यसभा को चुनाव होना है, वहाँ पर खरीद फरोख्त का जो डर है वो कांग्रेस को सता रहा है, इसलिए अपने विधायकों को सेफ रखना चाहते हैं और इस वजह से छत्तीसगढ़ सबसे सेफ जगह उनके लिए है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ से सेफ जगह और कोई हो नहीं सकता। इसलिए 11 विधायकों के छत्तीसगढ़ लाने की बातें सामने आ रही, लेकिन अभी तक कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता जो है इसको स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन देर शाम तक जो है आने की बातें सामने आ रही है। जी बिल्कुल कुलेश्वर, देर शाम तक जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, और आपको एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब अंदर खाने ही जो विधायक है वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुलेश्वर, ऐसे में तमाम असंतुष्ट विधायकों को साधने के लिए छत्तीसगढ़ का रुख किया जा रहा है, क्यों आखिर? देखिए, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है सबसे सेफ जगह है कांग्रेस पार्टी के लिए, यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार है और निश्चित तौर पर हमने देखा था जब विधानसभा चुनाव में भी कुछ विधायकों को, कई बाहर के विधायकों को यहाँ पे रखा गया था जब असम का चुनाव हो रहा था। छत्तीसगढ़ सेफ जगह, इसलिए अब हरियाणा के विधायकों को भी इससे सेफ जगह और कोई मिल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे लाया जा रहा है। क्योंकि खरीद फरोख्त का जो डर है वो कांग्रेस पार्टी को है कि हरियाणा में जब राज्यसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग होगा 10 जून को तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसका डर सता रहा है। इस वजह से छत्तीसगढ़ लाने की बात आ रही है, लेकिन अभी सिर्फ ये चर्चा में ही है। देर शाम तक आने की बात यहाँ पे कही जा रही है, कुछ देर में आने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ ये चर्चा है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ विधायकों को छत्तीसगढ़ जरूर लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो वो तस्वीरें भी हम आपके जरिए जरूर देखेंगे कुलेश्वर, जब विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किए गए, अब ऐसे में जो असंतुष्ट विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। हरित फरोख्त का डर कांग्रेस को सता रहा है, हॉर्स ट्रेनिंग का डर, और इसीलिए कांग्रेस अब इन विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में विधायकों को लाया जाएगा, हालांकि हरियाणा में कांग्रेस को क्या डर है ये भी आपको हम बताते हैं। राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दो सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। तो तीसरे उम्मीदवार ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं, इस डर को बढ़ा दिया है कहीं ना कहीं। और राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई, दो सीटों पर चुनाव होने हैं, तीन उम्मीदवार मैदान में हैं, तो इसीलिए कांग्रेस को डर है कि कहीं उनके विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो जाए और इसलिए छत्तीसगढ़ का रुख किया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। बीजेपी की अगर बात करें, इधर कांग्रेस ने अजय माकन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस के पूर्व नेता विनोद के बेटे कार्तिकेय ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। तो तीसरा उम्मीदवार, और इसलिए कांग्रेस टेंशन में है।